पधारिए पधारिए पूज्य बहना श्री, पधारिए पूज्य भ्राता श्री, पधारिए पूज्य भाभी श्री। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। तो कैसे नरेश? Still kicking, but that too from top of the world. लेकिन ये क्या, बैंड बाजी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, अर्थी का सामान नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाथ में मिठाई का डिब्बा तक नहीं है, मिठाई क्या बाहर ही बांटा है? Stop it नरेश, for God's sake, आप लोग बैठे हैं दीदी। हमारी मजबूरी की हंसी मत उड़ाओ नरेश, हमें पता लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जख्मी हो, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। जिंदा या मुर्दा? नरेश, मुझे जिंदा देखकर आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुआ होगा। देखिए ना, बेचारी देवयानी का चेहरा कैसा मुरझा गया। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट बिलीव मी, मैं अपनी वसीयत में बरखा के नाम ये इंस्ट्रक्शन छोड़ जाऊंगा कि मेरे मरने की खबर सबसे पहले वक्त तुम ही देगी। इससे दूर दूर रहो मुझसे, अगर सर पे फोन चढ़ गया ना, हाथ उठ जाएगा मेरा। अच्छा, रीति रिवाज और परंपरा से लिपटी हुई छोटी बहन बड़े भाई पर हाथ उठाएगी? हाँ, तुम इतनी तरक्की कर चुकी हो, मुझे नहीं पता था। अशोक भैया, यहाँ से चलो, इस पिशाच के साए से दूर चलो प्लीज। दिव्यानी, धीरज रखो दिव्यानी। क्या हो गया आपको? लगता पत्थर पड़ गए आपकी अकल पर, ये सरासर हमारे मुंह पे थूकते जा रहे हैं और आप हमें धीरज रख रहे हो कह रहे हैं? हरी शराफत का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लाज और शर्म से नाता ही तोड़ दें? नरेश, तुम अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारी जुबान जितनी लंबी है ना, तुम बात होगी छोटी करते हो। अशोक भैया, इसकी जबान लंबी नहीं, जहरीली है। इसकी जबान पे बिच्छू ने डंक मारा है, अब जब तक जहर निकलेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं। ये कंस है अशोक भैया, कंस। इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम कृष्ण रखा है। 20 साल बाद वही निकालेगा इसका जहर। Bloody hell! If wishes were horses, beggars would ride them. नरेश मल्होत्रा, कई बार ख्वाब हकीकत भी बन जाया करते हैं, सावधान रहना। चलो चलो भैया। हम यहाँ झगड़े नहीं आए, हम इसके जख्म देख रहे हैं। हाँ हाँ, बस इन्हीं के जख्म देख कर ही, अपनों के कलेजे छल्ली हो गए हैं, उस पर कोई ध्यान मत दीजिए। आप चले, हम जाएं। प्लीज लेडी बरखा, तुम चुप करो, खबरदार हमें रोकने की कोशिश की। चलो देवयानी, करने दो इन्हें चांदाल की पूजा। दीदी सुनो, नरेश, हम तो तुम्हें देखने आए थे। मैं बहुत ही अच्छा हूँ भैया, लानत है मुझ पर। क्यों बुलाया था मेरे दुश्मन को यहाँ? हाँ, क्यों बुलाया था? मेरी हंसी उड़ाने के लिए, या ये जख्म मुझे कैसे लगा है उसकी जासूसी करवाने के लिए? बोलो। देवयानी, अगर पुलिस को बता दे तो। काश देवयानी तुम्हारी जैसी होती और वो ये सब कर सकती। तो तुम कर दो ऐसा, जाओ, तुम जाओ पुलिस के पास। प्यारे। यस। तुम्हारे मालिक का दिल शीशे के टुकड़ों में बिखर गया है, समेट लो उसे। मतलब के एक दिल के टुकड़े। शट अप। जा रही हो अपनों के पास? नरेश, अब मैं वो पहले वाली बेवकूफ बरखा नहीं रही। अब अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो मैं नहीं, तुम। रिमेंबर दैट। मालिक, बाहर जाने की इजाजत मिल गई, चलें। शट अप। वो कार जिसमें मुजरिम लियाकत को कोई कानून से बचा कर ले गया, क्या वो आप ही की थी? जी हाँ। आपने कार चोरी हो जाने की खबर कार के चोरी हो जाने कितनी देर बाद की थी? सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरा तो मेरी कार गायब थी। पूछताछ के बाद भी जब कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। क्या आप थोड़ा सा भी आइडिया दे सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? चोर का पता तो चोरी बता सकता है सर। आई एम टोटली इन डार्क। फॉलोड मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं, एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए इंस्पेक्टर कि आपने मुझे इतनी जल्दी फ्री कर दिया, लेकिन जाने के पहले एक बात और।
मुझे अपनी कार का लॉस मंजूर है, लेकिन पुलिस और अदालत के चक्कर लगाना मुझे मंजूर नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? संजय साहब, पुलिस स्टेशन सुबह आओ, इधर बैठो उधर बैठो, यहां जाओ वहां जाओ, और शाम को बड़े आराम से कह देते हैं कल आना। यही हालत कोर्ट की भी है, इसलिए तो एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाह भी गवाही देने नहीं आते। हर शहरी को कुत्ता बिल्ली क्यों समझने लगी है हमारी सरकार? मिस्टर श्रीवास्तव, आप अपनी शिकायतें लिखकर सरकार को भेज सकते हैं। फिर तो कमाल हो जाएगा संजय साहब, मेरी शिकायतों पर साल छह महीने की खामोशी रखने के बाद मुझसे कह दिया जाएगा कि आपकी दरखास्त पर गौर किया जा रहा है। फिर साल छह महीने की खामोशी के बाद यह कहा जाएगा कि आपकी शिकायतों पर गौर करने के लिए एक कमेटी बिठाई जा रही है। फिर एक कमेटी पर गौर करने के लिए एक और कमेटी, और कमेटी पर कमेटी पर कमेटी। वो बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। प्लीज मिस्टर श्रीवास्तव, आप जा सकते हैं। जा रहा हूं सर, जा रहा हूं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि डकैती या लूटपाट कब तक चलेगी? मिस्टर श्रीवास्तव, आप मुझे टारगेट क्यों बना रहे हैं? ना तो मैंने आपके साथ ज्यादती की है और ना ही आपका वक्त बर्बाद किया है। जानता हूं सर, और इसीलिए ये सब कहने की हिम्मत कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बात मुझे तकलीफ दे रही है वही बात आपको भी तकलीफ दे रही है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय। सर, आपने माजिद खान पठान के दोस्तों की लिस्ट मांगी थी? हाँ, ले आए। जी, नरेश मल्होत्रा? जी सर, सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक नरेश मल्होत्रा एक मुकदमे में माजिद खान पठान की मदद से ही बच गया था। भाई साहब, ये नरेश की ही हरकत है, वो पठान से मिला हुआ है। पहले पठान ने इसको बचाया, अब इसने पठान के बेटे को बचाया। पुलिस का बयान है कि ड्राइवर की बाह में गोली लगी है, और वो निशान जो आप देखने गए थे ना, वो उसी गोली का दिया हुआ है। उस आदमी की बात करना भाई साहब अपना दिन खराब करना है, वो तो पेड़ की खाल में पेड़िया है पेड़िया। भाई साहब, अशोक जी को अपने भाई की बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप। बहन जी, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रहा जी। फिर भी कोई और बात कीजिए ना। अच्छा, करो और बात, जिम्मे आपकी मर्जी। हाँ तो पिंकी, बता कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? अरे इनसे क्या पूछते हैं बहन जी, मैंने को पूछो, मैं बताता हूँ। आप भी साथ गए थे? आप भी कमाल करते हैं बहन जी, इनको अकेले कैसे छोड़ देता। लेकिन भाई साहब, ये हनीमून पे गए थे? अरे हनीमून पे गए नहीं थे भाई साहब, मैं लेके गया था इनको, दुनिया भर की सैर करवाई। पिंकी बेटा, बता इनको कहाँ कहाँ की सैर मैंने करवाई आप लोगों को, आप ही बता दीजिए ना। बस ये समझिए जी, दुनिया भर की सैर करवा दी, नाभा, पटियाला, मलेरकोटला, लुधियाना, अमृतसर, सबको जो दिखाने लायक था दिखा दिया। यानी आपने इन्हें अकेला छोड़ा ही नहीं? बहन जी, कमाल की गल कर दिए हैं आप, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, बाप की जगह अकेला कैसे छोड़ देता। पर भाई साहब, इनका हनीमून था। हाँ हाँ, इसीलिए तो जी, हनी की मक्खियों का छत्ता दिखाया गांव में इनको, और दरबार साहब के पानी में मून का अक्ष दिखाया, हनी और मून, क्यों दिखाया ना? जो भाई साहब यही होंगे ना हनीमून। तू रो क्यों रही है? मामा, मैं रो नहीं तो क्या करूं? कहते मक्खियों का गड्ढा दिखाया, पानी में मून दिखाया, बस हो गया हनीमून, अब वापस चलो। मामा, आप उनकी लिमिट्स को नहीं जानते, वो होटल में डबल बेडरूम बुक कराते और खुद अपना बिस्तर लेके वहां जाते। आपको हंसी आ रही है, मेरा हनीमून तो फनीमून हो गया। मामा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब प्लीज उन्हें कुछ समझाइए। मैं समझाऊं उन्हें हनीमून का मतलब? हाँ पगली, तो क्या करे, कौन समझाएगा उन्हें? मामा ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। मामा, इस पापा से कहिए कि हमें वापस बाहर भेजे, और इस बार दीजिए हमारे साथ नहीं आए।
अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन चल पहले चल कर सबके लिए चाय बनाना। जी जी, मैं किसी के लिए चाय नहीं बनाने वाली। क्यों? मैंने उनसे कहा था कि एक नौकरानी रख लो, लेकिन नहीं, नौकरानी की क्या जरूरत है, मैं काम करने के लिए आई हूँ ना सबके लिए। नहीं पिंकी, रोते नहीं। पिंकी अगर यही हाल रहा ना तुम्हारे रोने का तो बहुत जल्द अस्पताल पहुंच जाओगी। मौत आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरी गोद वीरान हो गई है, क्या फायदा है जिंदगी का, नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। अरे कहते हैं ना कि कोई खबर ना आना अच्छी खबर है। अरे वो पुलिस के हाथों नहीं लगा, उसका शुक्र मनाने की बजाय तुम रो रही हो। अरे जहां भी होगा अल्लाह के फजलो करम से अच्छा होगा। लेकिन वो है कहां? ये लीजिए साहब। क्या है? कुछ नहीं साहब। तो जाओ ना, सर पे क्यों खड़े हो? कुछ और चाहिए? कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। अभी लाए। आदमी कहाँ गया? अरे भाई जरा जल्दी करना, इमरजेंसी में फोन करने का है। 1,00,000 रुपया मिलेगा, मेरे तो दिन फिर जाएंगे, मुकद्दर का सिकंदर बन जाऊंगा मैं, शादी करूंगा, चाय का खोखा लूंगा। अरे भाई जरा जल्दी करो ना, पुलिस को फोन करने का है। क्या है भाई साहब? अरे भाई साहब गया तेल लगाने, तुम जरा फोन इधर दो। चलो चलो जरा हटो हटो हटो। अरे हटो मेरे भाई, चलो हटो। यस पुलिस स्टेशन। कहां से बोल रहे हैं? पैराडाइज रेस्टोरेंट। क्या तुम यकीन है कि वही है? अरे साहब मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ, फूटों से चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है। गुड, मैं भी आता हूँ, तुम उस पर नजर रखो, और अगर वो भागने की कोशिश करें तो मैं जरूर उसे पकड़ लेना। उसके पकड़ने के साथ तो 1,00,000 रुपये का क्या होगा? इन्फॉर्मेशन तुमने दी है तो इनाम तुम्हें ही मिलेगा। अच्छा साहब, 1,00,000 रुपये लेकर आइए और मैं इंतजार करता हूँ, खोल ही लूंगा, चाय की दुकान खोलूंगा, शादी करूंगा। देखो सब बना लेना, लेकिन जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं वहां फॉर्म पहुंचता हूँ। सेठ, वो आदमी किधर गया? कौन? अरे वही 1,00,000 रुपए वाला आदमी। क्या पागल हो गया? अगर मुझे वो 1,00,000 रुपए वाला आदमी नहीं मिला तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। कौन किसने किया था? मैंने किया। जैकेट कहाँ है? जैकेट तो शेडी लगा गया। क्या बात करो, मैंने तुमसे कहा था कि आपने तो कहा था साहब, लेकिन मेरी तो खोली भी गई, खोखा भी गया, लगन भी गया, मैं तो तबाह हो गया सर, मैं तो तबाह हो गया। बकवास बंद करो, कहाँ बैठा था वो? इधर बैठो। अरे साहब ये उसका रूम, यही घूम गया साहब। उसका 1,00,000 नहीं, इसका 1,000 ही दे दो ना। छोड़ा, आपने माजिद खान पठान के दोस्तों की लिस्ट मांगी थी? हाँ, ले। नरेश मल्होत्रा,
जी सर, सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक नरेश मल्होत्रा एक मुकदमे में माजिद खान पठान की मदद से ही बच गया था। नरेश मल्होत्रा, और आ, चलो। हेलो। हेलो भाई। हेलो, बैठिए। आइए आइए आइए, तकिए बैठिए। क्या रे? एक का प्रॉब्लम। फरमाइए। पहली बार गरीब खाने में आए हैं और वो भी वर्दी में। सब खैरियत तो है? बस यूं ही चलाया। नहीं नहीं, यूं ही तो नहीं। पुलिस वाले तो किसी के घर दो ही मकसद से जाते हैं, या तो चोर पकड़ना या फिर बड़े अफसर से तरक्की मांगने। मैं ना तो आपका बड़ा अफसर हूँ ना ही चोर। ये तीसरी वजह क्या हो सकती है? वजह तो चोर पकड़ने की ही है। I beg your pardon? मेरा मतलब नई तलाश तो चोर की ही है। आपकी तलाश आपको यहां तक कैसे ले आई? रिश्तेदारों के रिश्तेदार ही सही, लेकिन है तो हम रिश्तेदार। हाँ वो तो है। सुनो था, आपको चोट लग गई है, बस उसी सिलसिले में मैं आपकी खैरियत पूछने चला हूं। ये जख्म कब? चीनी कितने लेंगे? दो चम्मच। आपका अपनी बीवी से कभी क्लैश हुआ है? हो जाता है कभी कभी। उससे में उठा के चीजें इधर उधर फेंकती? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो अक्सर ही नौबत आती है। हम दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं। बस उस दिन गुस्से में आके गिलास यहाँ फेंक दिया था, उसे शक्ल के गलती से मेरा हाथ उसके ऊपर पड़ गया तो एक चीरा लग गया। That's all. Oh, I'm so sorry. इलाज तो चल रहा होगा? क्या? किससे? डॉक्टर से और किससे? मेरा मतलब है किस डॉक्टर से? तो नाम होगा उसका। एसी भी संजय सकते ना? क्या कर रहे हैं आप? चाय पीजिए ना। थैंक यू मैम। आप चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। शुक्रिया। जब बात खुली गई है मिस्टर नरेश मल्होत्रा, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो अब तक आप क्या कर रहे थे जनाब? धर्म चोपड़ा को आप जानते थे? जानता हूं। लैकत खान को आप जानते हैं? जी नहीं। और उसके फादर माजिद खान पठान? जी हाँ, जानता हूँ। कैसे? What do you mean भाई, कैसे? मेरा मतलब है कब से जानते हैं? मैं डायरी नहीं लिखता। कितने गहरे ताल्लुकात थे आप दोनों के, बता सकते हैं? देखिए, मैं क्लबों में कार्ड खेलने जाता रहता हूँ, वहाँ इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे बहुत मिलते हैं। धर्म चोपड़ा के कत्ल के बारे में आप क्या जानते हैं? जीरो। उसके कातिल लियाकत खान के बारे में? डबल जीरो। लियाकत के लिए जेल में सुरंग किसने बनाई थी? कौन से चोरी कार में भगा कर ले गया था? ड्राइवर के कंधे पर गोली लगी थी, इस बारे में आप क्या जानते हैं? ट्रिपल जीरो। मैं कमेंट।